नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आज हम फिल्म योगेश्वरी का भाग 6 प्रस्तुत कर रहे हैं। यह भाग चूंकि शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आपके समक्ष जा रहा है, अतः इसमें हम पूजा पाठ के विधान और माँ की षोडशोपचार पूजा की पूरी विधि इसमें आपको बताएंगे, उसका उच्चारण करेंगे। तो पूजा के क्या विधान है, क्या नियम है, क्या पालन करना चाहिए, ये सब तथा षोडशोपचार पूजा, अगर भाग 6 में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो दोनों में देंगे, वरना भाग 6 और भाग 7 में षोडशोपचार पूजा इस प्रकार से यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो सर्वप्रथम जागरण की जो बात है, तो नवरात्रि नाम है इसका, यानी इसमें रात्रि जागरण करना पड़ता है, पूरी साधना रात्रि में की जाती है, तो इसलिए इसको नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि का जो मंडप सजाया जाता है, कलश खट स्थापन किया जाता है, उसका विधि विधान तो हम अलग से पूरा, चूंकि विस्तृत है वो, और जो हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में दिया है उसे अलग से प्रस्तुत करेंगे कि उनका मंडप कैसे सजाया जाता है और घट स्थापना की रीति क्या है। पहले जो घरों में पूजा की जाती है, गृहस्थों द्वारा की जाती है, हम उनके लिए जो नियम है, घट स्थापन है या जो पद्धति है, उसका भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें वैसे तो किसी भी देवी देवता की पूजा करनी हो या किसी का भी वो हो, तो नहीं भी पूजा करते हो तो भी ये एक सनातन धर्म का साधारण सा नियम है कि ब्राह्म मुहूर्त में जागरण आवश्यक है। आपको ब्राह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त के बाद जो सोता रहता है उसे ईश्वरीय और दैवीय कृपाएं प्राप्त नहीं होती। लेकिन चूंकि विषय ये नवरात्रि से संबंधित है, तो इसमें तो रात्रि जागरण ही होना है। तो सूर्योदय से 4 घड़ी यानी कि लगभग 1.5 घंटा पहले ही उसे ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं, उसमें जागना चाहिए। ये आपका प्रतिदिन का नियम होना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र में निषिद्ध है, मना है, वर्जित है। वो श्लोक इस प्रकार से है, ब्राह्मो मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी ताम करोति द्विजो मोहात पादक्रक्षेण शुद्धयति। यानी ब्राह्म मुहूर्त के बाद जो सोता रहता है उसके पुण्यों का क्षय हो जाता है, पुण्यों का खाता खत्म हो जाता है, और इसलिए ब्राह्म मुहूर्त में आवश्यक रूप से प्रतिदिन जागना चाहिए। अब हम नवरात्रि विधान पर आते हैं, तो जिसमें चूंकि पूरे रात ही जागरण करना पड़ता है, तो सर्वप्रथम जो है अपना भूमि की वंदना करना चाहिए। शैया से जब आप उठते हैं, पृथ्वी पर पैर रखने से पूर्व पृथ्वी माता का पूजन अभिवादन करना चाहिए, और उन पर पैर रखने की व्यवस्था के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए श्लोक उच्चारण किया जाता है, जिसे मैं उच्चारण कर रहा हूँ। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व मे।
यानी समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वत रूप स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पैर या चरण स्पर्श को क्षमा करें। इसके पश्चात में मंगल दर्शन है, तो मंगल दर्शन गोरोचन, चंदन, स्वर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण, मणि आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करना चाहिए तथा गुरु, अग्नि और सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। रोचनम चंदनम हेमं मृदंगम दर्पणम मणिम गुरुमग्निम रविम पश्ये नमस्येत प्रातरेव हि, ये इसका श्लोक है। इसके उपरांत जो है माता पिता गुरु एवं ईश्वर का अभिवादन करना चाहिए। तो पैर हाथ मुंह धोकर कुल्ला वगैरह करके उसके बाद रात का वस्त्र बदल करके आचमन करें और जो है अपने मानसिक शुद्धि करके सभी अंगों पर अपने पर जल छिड़के हैं। ऐसा करने से मानसिक स्नान या मानसिक शुद्धि हो जाती है। वो है ओम अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा, यह इसमें पुंडरीकाक्षम से वायाभ्यंतरे शुचि, ओम पुंडरीकाक्षे पुनात, ओम पुंडरीकाक्षे पुनात, ओम पुंडरीकाक्षे पुनात। अति नील घनश्यामम नलिनायत लोचनम स्मराम पुंडरीकाक्षम तेन स्नातो भवाम्यहम, ऐसा बोल के एक मानसिक शुद्धि, मानसिक स्नान और ऐसा अपने सब ये जल को इस मंत्र से उच्चारण करके फूंके और छिड़क लेना चाहिए, अपने सब अंगों पर छिड़क लें, अपने आसपास छिड़क दें। ये तो रहा मतलब एक वो, अब दो जप जो किया जाता है आप ये नवरात्रियों में जो जप ये करते हैं, ये दो तरह का होता है। एक तो संख्या सहित रहता है और एक संख्याहीन होता है, यानी जिसकी संख्या निश्चित नहीं होती। संख्याहीन जप करने के लिए आपको पूर्व में कुछ सिद्धियां प्राप्त होना चाहिए या आपका कुंडलिनी का जागरण हुआ होना चाहिए। तो कुंडलिनी जागरण का जो मंत्र है या और वो हैं योग क्रियाएं हैं, वो सब हम आगे फिल्म में अपनी में बताएंगे। लेकिन जो है जप के ये दो प्रकार हैं, एक अजपा जप कहा जाता है और दूसरा संख्या वाला जप। तो अजपा जप यानी कि जिसकी संख्या नहीं होती उस तक पहुंचने में जरा आपको उच्च कोटि का साधक या उच्च कोटि की साधना करनी पड़ती है, तब जा करके आपको ये अधिकार प्राप्त होते हैं कि आप मुहूर्तहीन हो जाते हैं, यानी आपके लिए फिर मुहूर्त लागू नहीं होते और आप अजपा जाप यानी कितनी संख्या में जाप करते हैं उनकी संख्या निश्चित नहीं रहती, यानी कि उच्च कोटि पर पहुंच जाते हैं और सब मुहूर्त संख्या इत्यादि इन सब से परे हो जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये अजपा जाप है, तो अजपा जप का तो संकल्प उन लोगों को समर्पण का कर किया जाता है क्योंकि जो उच्च कोटि के हैं तो वो अजपा जप का समर्पण का संकल्प करें। तो वो समर्पण के संकल्प का जो मंत्र है वो ये है, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु आद्य ब्रह्मोण्य द्वितीय पदार्थ श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशति में कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, अब जिस जगह पे हैं उस स्थान का नाम बोला जाएगा, जैसे मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं या कहीं भी हैं तो स्थाने, फिर जो संवत्सर चल रहा है उसका नाम बोला जाएगा, नाम संवत्सरे, फिर जो ऋतु चल रही है उस ऋतु का नाम बोला जाएगा ऋताओ, फिर जो महीना चल रहा है मास यानी चैत वैसाख जेठ आषाढ़, जैसे इस समय आश्विन मास चल रहा है या क्वार का महीना कहते हैं, उस मास का नाम बोलेंगे। तो माँ से फिर कौन सा पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, उस पक्ष का नाम बोला जाएगा पक्षे, फिर जो तिथि चल रही होगी उस तिथि का नाम बोला जाएगा, जो भी तिथि होगी तिथाओ, फिर जो वार चल रहा होगा उस वार को बोलेंगे रविवार सोमवार या जो भी वार होगा दिने,
फिर प्रातः काले या सायंकाले जो भी होगा वो काल बोला जाएगा। प्रातः काले फिर अपना गोत्र का उच्चारण करेंगे, आपका जो गोत्र है उसको उच्चारण, जैसे तोमर राजवंश का गोत्र है वैयाशुक, तो वैयाशुक गोत्रे। अब उसके बाद अहम व्यय स्तन सूर्योदया दाराभ्य अद्यतन सूर्योदय पर्यंतम श्वास क्रियया भगवता कार्यतम अजपा गायत्री जप कर्म भगवते समर्पय ओम तत्सत श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। तो इसमें यहाँ पर जो वो है अजपा गायत्री जप कर्म, इसकी जगह पे आप अजपा गायत्री शब्द की जगह जिसका भी जप कर रहे हों, जैसे काली का कर रहे हों तो महाकाली जप कर्म, या किसी अन्य देवता का कर रहे हों तो उसका नाम लेंगे। तो ये यहाँ इसमें संकल्प में परिवर्तन होता है थोड़ा सा। ये तो एक मुख्य संकल्प है। मुख्य संकल्प के बाद फिर प्रतिदिन अगर आप करते हैं तो प्रतिदिन के लिए थोड़ा और संकल्प आगे जोड़ना पड़ता है। तो ओम विष्णु से लेकर के अहम तक बोलने के बाद में आगे इसमें जोड़ दें, बस वो जोड़ा जाता है। अद्य सूर्योदयादारभ्य श्वस्तन सूर्योदय पर्यंतम षट्शताधिकैक विंशति सहस्त्र, यानी 21,600 संख्या कोच्छवासिनी श्वासाभ्याम हमसम सोहम रूपाभ्याम गणेश ब्रह्म विष्णु महेश जीवात्म परमात्म गुरु प्रीत्यर्थम जपा, और जो भी देवता है उसका जिसका जप कर रहे हैं उसका नाम लें, जपम करिष्ये। तो ये एक वो है जहाँ से एक शुरुआत है। अब जो मुख्य चीजें हैं जिनका इसमें विशेष ध्यान रखना जरूरी है, और तो उसमें ये है कि पहले शौचाचार, तो शौचाचार की जो भी है वो एक विधान है, विधि है, तो उसको विस्तृत रूप से बताने के बजाय ये है कि शौचाचार का जो संक्षिप्त में है वो हम आपको यहाँ पर जो नियम है प्रावधान है विधान है उसको बता देते हैं। शौचे यत्न सदा कार्य शौच मूलो द्विजह स्मृत शौचाचार विहीन से समस्ता निष्फला क्रिया। शौचाचार में सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का मूल शौचाचार ही है। शौचाचार का पालन करने पर सारी क्रियाएं निष्फल, पालन न करने पर सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। और इसमें भी ये नियम है कि शौच किस तरफ किया जाए। तो जैसे आप गांव में रह रहे हैं तो नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है वो दिशा को चुना जाता है नैऋत्य कोण में। और आपके मकान में या घर में आपका शौचालय बना हुआ है तो वो जो है नैऋत्य कोण में होना चाहिए, यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा हो उस तरफ शौचालय स्थित होना चाहिए। तो वहाँ पर शौच के लिए जाएं, और रात में दूर नहीं जाना चाहिए। नगरवासी गृह के शौचालय में सुविधानुसार मूत्र पुरुष का उत्सर्ग करें, और इसमें जो है पहले मिट्टी से इसमें पावनता का वो विधान था, तो शास्त्रों ग्रंथों में मिट्टी के जो पवित्रीकरण करने के बाद के नियम है वो दिए हुए हैं। तो चूंकि अब तो साबुनों से और उनसे वो किया जाता है तो इसलिए उसका उच्चारण हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। बस इसमें जो कुछ खास नियम हैं उनको बस इतना बता देते हैं कि जल पात्र को हाथ में रखना मना है, निषिद्ध है। सिर और शरीर को ढका रखें। जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ को दाएं कान पर चढ़ा लें। अच्छा तो यह है कि जनेऊ को दाएं हाथ से निकालकर कंठ में करके पहले दाएं कान को लपेटें,
फिर उसे सिर के ऊपर लाकर बाएं कान को भी लपेट लें। तो और दूसरा ये कि शौच के लिए बैठते समय सुबह शाम और दिन में उत्तर की ओर मुख करें और रात में दक्षिण की ओर। तो इस समय जो है मौन हो करके शौच क्रिया करें, उस समय जोर से सांस नहीं लेना चाहिए और थूकना भी नहीं चाहिए। ये कुछ नियम है और उसमें जो और प्रावधान है वो ये है कि आप नाभि के ऊपर के स्थान को सदा दाहिने हाथ से छूना चाहिए, है ना, और दाहिने हाथ से ही लोटा या वस्त्र का स्पर्श करना चाहिए। ये मतलब कुछ खास बातें हैं। और केवल लघुशंका करने पर शौच की सिद्ध शुद्ध होने की विधि कुछ भिन्न हो जाती है। लघुशंका के बाद यदि आगे निर्दिष्ट क्रिया न की जाए तो प्रायश्चित करना पड़ता है। और विधि यह है कि लघुशंका के बाद एक बार लिंग में, 3 बार बाएं हाथ में और 2 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाएं और धोएं, यानी साबुन अब तो चलता है मिट्टी की जगह। एक एक बार पैरों में भी मिट्टी लगाएं और धोएं, फिर हाथ ठीक से धोकर 4 कुल्ले करें, आचमन करें। इसके बाद मिट्टी को अच्छी तरह बहा दें, स्थान साफ कर दें। शीघ्रता में अथवा मार्ग आदि में जल से लिंग प्रक्षालन कर लेने पर तथा हाथ पैर धो लेने पर और कुल्ला कर लेने पर सामान्य शुद्धि हो जाती है, पर इतना अवश्य करना चाहिए। और परिस्थिति भेद से भी स्वच्छ भेद आ जाते हैं, तो वो एक अलग है, मगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आभ्यंतर स्वच्छ। मिट्टी और जल से या साबुन से होने वाला यह शौच कार्यभारी है, इसकी अबाधित आवश्यकता, किंतु आभ्यंतर शौच के बिना यह प्रतिष्ठित नहीं होता, यानी अंदर का शुद्धि, मनोभाव को शुद्ध रखना आभ्यंतर शौच माना जाता है। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा आदि के भाव का न होना, ये आभ्यंतर शौच है। श्री व्याग्रपाद जी का कथन है कि यदि पहाड़ जितनी मिट्टी और गंगा के समस्त जल से जीवन भर कोई बाह्य शुद्धि कार्य करता रहे, किंतु उसके पास आंतरिक शौच न हो, यानी आंतरिक शुद्धि न हो, तो वह शुद्ध नहीं हो सकता। अतः आभ्यंतर शौच आवश्यक है। भगवान सब में विद्यमान है, इसलिए किसी से द्वेष और क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। सब में भगवान का दर्शन करते हुए, सब परिस्थितियों को भगवान का वरदान समझते हुए, सब में मैत्री भाव रखना चाहिए। साथ ही प्रतिक्षण भगवान का स्मरण करते हुए, उनकी आज्ञा समझकर, शास्त्र के अनुसार शास्त्र विहित कार्य को करना चाहिए। तो इसमें जो श्लोक है वो ये है, गंगा तो ये कृत्स्नेन मृद्वारैश्च नगोपमे आमृत्योश्चाचरन् शौचं भावदुष्टो न शुध्यति। तो ये नियम है इसका।